क्लासिकल लाइट लाइट से ज़्यादा सेमी क्लासिकल बोल सकते हैं। गाने के लिए जैसे कुछ भजन गाए, ठुमरी गाए, कुछ भी गाए, तो उसके लिए इन सब राग को प्रयोग करते हैं। इसीलिए उसमें ख्याल में जितना कट्टर नियम कानून हम लोग लगाना पड़ता है, ये सुर लगता है तो यही लगेगा, आरोह में ये सुर लगा, अवरोह में ये सुर लगा, होता है ना। आरोह में जाने समय पता नहीं आप लोग कौन कौन सा कितने दिन, कोई पहले से सीख रहा है या अभी जस्ट नए हैं सब। तो आरोह अवरोह होता है ना राग का, आरोह में कुछ सुर लगता है, अवरोह में कुछ सुर लगता है, या आरोह में सेम लगेगा, अवरोह में भी सेम लगेगा, ऐसा भी होता है जो लगा हुआ है। तो राग को इस तरीके से बनाया गया। राग क्या है? कंपोजिशन, म्यूजिक का कंपोजिशन है राग, अलग अलग कंपोजिशन है, कंपोज कर दिया गया बहुत सारा लोग, बहुत सारा राग का। अब हमारे पास 12 सुर तो है ना, है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक मैथ में एक चीज़ होता है, जैसे अगर आपको 3 चीज़ दे दिया जाए तो 1 2 3, ठीक है, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, आप लोगों को पता होगा शायद। 9 तरीके से। 9 नहीं 6 सॉरी, हाँ, 1 को पहले पोजीशन पर रखे, 1 2 3 लिखे और फिर 1 3 2 लिखे, 2 हो गया। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 को पहले पोजीशन पर रख के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब 2 को पहले पोजीशन पर रखेंगे तो 2 1 3 और 2 3 1, और 3 को रखेंगे 6 ही हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा फंडा है कि 1 2 3 है तो 1 × 2 × 3 क्या हुआ, 6 हुआ। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ, 4 सुर रखेंगे कितने तरीके से सजा सकते हैं हम लोग, 24 तरीके से सजा सकते हैं। तो ये तो हम गाना सिखाते सिखाते मैथ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मेरा जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो क्या होता है कि अब हमारे पास सारे गम पधा नहीं है, 7 स्वर है, अगर शुद्ध खाली रखें तो, और अगर कोमल तीव्र से मिला दें तो 12 हो जाता है। अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने तरीके का हो सकता है, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसा पूरा करके 12 लिखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना संभाल नहीं पाएगा कोई। तो कुछ बनाया गया, कुछ नियम कानून बनाया गया कि भाई ठीक है, अब कोमल गा और शुद्ध गा दोनों साथ साथ हर समय नहीं लगा सकते हैं, मतलब सारा एडजस्टमेंट नोट को इस्तेमाल करने से बहुत दिक्कत हो जाएगी, गाने में भी दिक्कत होगी। तो कुछ हमारे जो पुराने गुणीजन हैं उसको बनाते गए कि चलो ये ठीक है, तो सारे गमा पधनी करके इस तरीके से बहुत सारा राग बनाए। तो ये कुछ नहीं है, एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, राग जो है म्यूजिक का कॉम्पोजिशन है। तो हमारे पास जो लोग राग सीखे, 100 राग सीख लिए, 50 राग सीख लिए, तो ऑलरेडी हमारे पास उतना कॉम्पोजिशन, एक रेडी कॉम्पोजिशन है, उसके बाद उस कॉम्पोजिशन के तहत हेर फेर करके, जैसे राग एक कॉम्पोजिशन हो गया, अब जब ख्याल गाते हैं या कुछ गाते हैं तो उसमें अपने तरीके से उसको गढ़ते हैं, सुर को इधर उधर घुमाते हैं। तो ये भैरवी जो अभी आप लोग सीख रहे थे, इसमें नॉर्मली ख्याल नहीं गाता है, लोग ख्याल जैसे ही गाते हो तो सारा नियम कानून रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ख्याल इसमें सिर्फ सिखाने की नीयत से बनाया गया है, कुछ तो सिखाएंगे ना, और उसमें भी हम लोग अलग सुर डाल के सिखाए हुए हैं, सिखाते रहे। लाइट म्यूजिक सेमी क्लासिकल गाने के लिए ये सब राग है, और इसमें इसलिए 12 स्वर जो अभी हुआ कि 12 क्यों लगता है, लाइट म्यूजिक या सेमी क्लासिकल में थोड़ा नियम कानून स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग कुछ और भी कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करें, भैरवी पर चलें या कुछ और पे चलें, कुछ और पे चलें, अच्छा ठीक है। अच्छा, वहाँ बैठेंगे नहीं, ठीक है, हम कंफर्टेबल।